काशवी अर्जुन के बॉडी में जहर ना फैले इसलिए काशवी लाइफ रिस्क में डालकर अर्जुन को बचा लेती है। जब अर्जुन को होश में आने के बाद जगदीश से सच पता चलता है, अर्जुन काशवी को बचाने की कोशिश करता है क्योंकि अर्जुन के बॉडी से जहर काशवी के बॉडी में चला जाता है। नित्या बाबूजी को अकेले पाकर उन्हें मारने की कोशिश करती है, पर जब काशवी दादाजी के रूम में एंटर करती है, नित्या को दादाजी के पास देखकर शक करने लगती है कि यहाँ क्या हो रहा है, पर तब तक काशवी देर कर देती है। नित्या जब सांप अर्जुन को काट लेता है, सांप भेजने वाले को नित्या उसके ब्लैकमेल करने पर पैसे ट्रांसफर करती है, और महिमा नित्या को पैसे ट्रांसफर करते देख लेती है और वो भी नित्या को ब्लैकमेल कर नित्या से पैसे ट्रांसफर करवा लेती है। वैसे सीरियल यह चाहते में जब काशवी से अर्जुन के साथ साथ फैमिली भी नाराज हो जाती है, तब काशवी अर्जुन के डैड को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो अर्जुन से प्यार करती और वो अर्जुन को दर्द में नहीं देखना चाहती थी। तब अर्जुन के डैड काशवी को कन्विंस कर कहते हैं कि अर्जुन से बात करेंगे, पर जब जगदीश और अर्जुन दोनों में काशवी को लेकर बात होती है, अर्जुन के डैड मान लेते हैं कि यहाँ पर दोनों भी सही है और अर्जुन को काशवी से ही पता चलना चाहिए कि काशवी अर्जुन से प्यार करती है। बाद में जब सांप को महिमा के रूम में छोड़ा जाता है, सांप महिमा के रूम से अर्जुन को जाकर काट लेता है और तब पूरी फैमिली अर्जुन के लिए वरीड हो जाती है, इसलिए नित्या को महिमा पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। देखना तो ये होगा कि क्या होगा अर्जुन और फैमिली का रिएक्शन जब नित्या का सच सामने आएगा कि अरुणा बुआ ने नहीं बल्कि नित्या ने ही मर्डर्स किए। क्या दादाजी बता पाएंगे सच या फिर नित्या उन्हें भी मार देगी? जानिए सीरियल में सिर्फ स्टार प्लस पर।